हेलो नमस्कार, आरबी टुडे वेदर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान के बारे में। ये सिस्टम जो है वो कितना ज़्यादा इंटेंसिफाई हो सकता है और इसका जो ट्रैक है वो किन राज्यों की तरफ रहेगा और भारत के ज़्यादातर राज्यों को जो है ये सिस्टम प्रभावित करने वाला है, यानी कि आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान एक बार फिर से इस सिस्टम की चपेट में आने वाला है और भारी जानमाल के नुकसान की संभावना जो है ये सिस्टम दर्शा रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई ये सिस्टम होगा और कुछ वेदर मॉडल तो जो है वो इसको सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी तक भी दिखा रहे हैं। तो अभी अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो आप देख पाएंगे कि 22 अक्टूबर को जो है ये सिस्टम इन भागों पर आपको दिखाई देगा, जो कि मध्य बंगाल की खाड़ी में ये सिस्टम धीरे धीरे जो है वो भारत के तटों की तरफ आगे बढ़ेगा। और ये जो है सिस्टम का जो लैंडफॉल जो भारत के तटों पे होगा, तो कुछ वेदर मॉडल जो है इसको वेस्ट बंगाल उड़ीसा से दर्शा रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इसकी स्थितियां साफ होती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ वेदर मॉडल इसको दक्षिण भारत की तरफ जाता हुआ भी दर्शा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है वो भारतीय मौसम विभाग की तरफ से इस सिस्टम को लेकर के कोई बड़ी सूचना नहीं जारी करी है। और हालांकि अगर इस सिस्टम के बनने की बात करें तो ये सिस्टम जो है वो निश्चित तौर पे बंगाल की खाड़ी में जो है वो 18 से 20 अक्टूबर के मध्य जो है ये सिस्टम बनना शुरू होगा और भारत के राज्यों को जो है ये 22 से 24 अक्टूबर के मध्य प्रभावित करने वाला है। उसके बाद भी जो है ये धीरे कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन मध्य भारत को भी इस सिस्टम का इम्पेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। अगर इस सिस्टम की बात करें तो ये सिस्टम लैंडफॉल की गतिविधियों की अगर हम बात करें तो ये सिस्टम आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों और उड़ीसा के जो तटवर्ती रीजन हैं, इस क्षेत्र से जो है ये सिस्टम भारत के अंदर लैंडफॉल कर सकता है। ज़्यादातर संभावनाएं, ज़्यादातर वेदर मॉडल इसको इंडिकेशन जो है वो यहीं पे कर रहे हैं। अगर हम 23 अक्टूबर के मौसम पे नज़र डालेंगे तो 23 अक्टूबर को जो है ये सिस्टम कहाँ पे नज़र आएगा, तो आप देख पाएंगे कि ये सिस्टम धीरे धीरे और ज़्यादा इंटेंसिफाई होकर के यानी कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की तरफ आगे बढ़ रहा है। और इस समय जो है इस सिस्टम की विंड स्पीड की बात करें तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जो है हवाएं इस सिस्टम के आसपास चल रही हैं। और थोड़ा सा अगर हम आगे और इस सिस्टम को लेके जाएं तो ये सिस्टम थोड़ा और ज़्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ आपको नज़र आएगा, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये लगभग साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले रहा है। लगभग जो है ये साइक्लोन जो है वो 23 अक्टूबर के आसपास जो है वो दर्शा रहे हैं और विशाखापट्टनम के साथ साथ उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के इलाकों में भी जो है वो इस सिस्टम से भारी वर्षा होने वाली है। और इस सिस्टम से जो है वो अगर हम हवाओं के साथ साथ अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रों में जो है विंड स्पीड हाई रहने वाली है और झारखंड के साथ साथ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके, उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके, बिहार, इन क्षेत्रों में इस सिस्टम का ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इधर तेलंगाना और आसपास के क्षेत्रों में भी जो है वो इस सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा भारी बारिश की गतिविधियां ये सिस्टम दे सकता है। और इस सिस्टम पर जो है हम लगातार आपको अपडेट भी करते रहेंगे कि ये सिस्टम जो है वो साइक्लोन बनेगा या फिर सीवियर साइक्लोन। हालांकि सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में ये नहीं पहुंचेगा, साइक्लोनिक स्टॉर्म तक ये सिस्टम जा सकता है और जो है वो भारत के अलर्ट रहने, तटवर्ती इलाकों पे जो है वो लोगों को जो है वो अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये सिस्टम जो है वो 23 से 25 अक्टूबर के मध्य जो है वो भारत के तटों को हिट करने वाला है, जिसके चलते जो है वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के इलाकों में जो है वो यहाँ पर जो है वो किसानों को सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नुकसान की संभावना जो है वो इस सिस्टम को देखते ही नज़र आ रही है। तो इस सिस्टम में जो है हम आपको लगातार अपडेट करेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।